डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आगे पढ़ेंगे, फोटोसिस्टम्स एंड रिएक्शन सेंटर्स। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एज ए ब्रीफली डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो प्रकार की रिएक्शंस है वो पार्टिसिपेट करती है। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। अब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें दो प्रकार के फोटोसिस्टम्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड एक यूनिट होती है जिसमें कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इनमें रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं और ये पिगमेंट्स और रिएक्शन सेंटर सारे क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि इनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिस्टम्स एंड रिएक्शन सेंटर्स। फोटोसिस्टम को हम फोटो एक्ट और पीएस के नाम से भी जानते हैं और इनमें जो रिएक्शन सेंटर के अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स पिगमेंट पाए जाते हैं ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और इसको रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जनरली जो अदर पिगमेंट्स होते हैं ये एक एंटीना लाइक फंक्शन होता है इनका, एंटीना की तरह ये काम करते हैं, फोटॉन्स को कैप्चर करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे ये एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि फोटोन पिगमेंट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है और इसको रिएक्शन सेंटर की ओर जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जब ये लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर या पिगमेंट को ट्रांसफ़र की जाती है तब रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो जाता है और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो सिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है। अब हम बात करें इनकी लोकेशन की तो जनरली पीएस फर्स्ट है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके स्ट्रोमा में पाया जाता है और जो पीएस सेकंड है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इनर साइड में पाया जाता है। इनमें डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं। पीएस फर्स्ट की बात करें तो इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो पिगमेंट 700 होता है, P700 जिसको हम लिखते हैं। यहाँ पे जो 700 है ये लाइट की वेवलेंथ है जिसको पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है और पीएस सेकंड की बात करें तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो है P680। अब हम बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग लाइट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, पर्टिकुलर वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और ये जो एनर्जी इनके द्वारा स्टोर की जाती है ये फर्दर रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए 660, 670, 680, 690 और जो रिएक्शन सेंटर होता है जिसको P700 से हम डिनोट करते हैं ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है। अब हम बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकंड की तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं,
जैसे 680, 660, 670, 678 और क्लोरोफिल बी 650। जनरली ये पिगमेंट्स होते हैं, वो क्लोरोफिल ए के वेरिएंट्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। और यहाँ जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है पी 680। यहाँ ये डायग्राम शो किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स हैं ये फोटोन अब्जॉर्ब का काम करते हैं और फर्दर ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं पी 700 को। और इसी तरह फोटोसिस्टम सेकंड में बात करें तो यहाँ पर पिगमेंट्स के द्वारा एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है और ये एट लास्ट पी 680 को ट्रांसफ़र की जाती है, जो कि एक इस सिस्टम का रिएक्शन सेंटर होता है। इनमें जो एंटीना लाइक फंक्शनिंग का काम करने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे ये इनकी वेरियस टाइप्स शो की गई है। फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सेकंड की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के ए मॉलिक्यूल्स भी हैं क्लोरोफिल के, और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड की। तो जनरली हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, वो फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा रिलीज की जाती है। और इस प्रोसेस में मैंगनीज आयन है वो मस्ट रिक्वायर्ड होता है, एसेंशियल होता है। सबसे पहले जो अदर पिगमेंट्स होते हैं उनके द्वारा फोटॉन्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं और ये लाइट एनर्जी जो इनके द्वारा गैदरिंग की गई है इसको ये फर्दर जो रिएक्शन सेंटर होता है पी 680 इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस एनर्जी अब्जॉर्बिंग के कारण जो पी 680 है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जनरली कहें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फिर एक चैन के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल बाय मॉलिक्यूल्स हैं होकर फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पर पहुंचता है। उसके बाद में जो NADPH फॉर्म होता है, NADP प्लस है, वो प्रोसेस PS फर्स्ट में होती है। तो यहाँ पे P680 जो एक्साइट हुआ है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किया जाता है सिस्टम में। और अब जो ऑक्सीडाइज P680 मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन के प्रति हाई एफिनिटी रखता है और ये रिएक्शन स्टार्ट होती है उससे पहले सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। और यहाँ पर जो P680 जो एक्साइटेड स्टेट जो बनी है इसको इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जो जनरेट हुए हैं इनके द्वारा इसको रिड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स बने हैं ये प्रोटॉन NADP प्लस के रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज की जाती है। और ये जो रिएक्शन है वो इस रिएक्शन की स्टार्टिंग रिएक्शन होती है। जो होल जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जो P630 मॉलिक्यूल है अब ये इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है वो Q15 एक एक्सेप्टर होता है और ये एक क्लोरोफिल ए का टाइप होता है। और हमने बात की कि मैंगनीज जो 2+ आयन है, एक्चुअली यहाँ पे जो दो मैंगनीज आयन के एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसमें दो मैंगनीज
आयन सेंटर पाए जाते हैं और ये सेंटर वाटर के स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस पूरी प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P630 जो पिगमेंट रिएक्शन सेंटर है इसको रिड्यूस करने के काम में आता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो ऑक्सीडाइज्ड जो P680 मॉलिक्यूल था, इसने पहला इलेक्ट्रॉन है वो फ्योफाइटिन को मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया, और इसके बाद में फ्योफाइटिन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को फर्दर ट्रांसफ़र करता है प्लास्टिक यूनियन को, इसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में PQ भी शो करते हैं। ये एक लिपिड सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और अब इसके द्वारा प्लास्टोक्विनोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर किया जाता है। और साइटोक्रोम B6F एक इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं और आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ये इस प्रकार के प्रोटीन्स को पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के जो रिएक्शन सेंटर है P700 इसको ट्रांसफ़र करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लास्टोसाइनिन है वो दोनों प्रकार के सिस्टम्स के बीच में एक प्लग का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है PS2 टू PS1। फर्दर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट की। तो हमने पढ़ा कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो पिगमेंट 700 है वो एक रिएक्शन सेंटर है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया गया है P700 के द्वारा, और साथ में जो अदर पिगमेंट्स हैं इनके द्वारा एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है, और उसके बाद में ये एनर्जी रिएक्शन सेंटर जो कि P700 इसको ट्रांसफ़र की जाती है। इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और इसके बाद में आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फेरेडोक्सिन एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन होती है जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं कि जो फेरेडोक्सिन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया, अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में एंटर होगा, ये इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर इस सिस्टम में NADP+ प्रेजेंट है या अब्सेंट है। यदि प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स NADP+ के रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिएक्शन कंप्लीट होती है, और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड को डोनेट किए जाते हैं। साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म होती है और प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन में एंटर होता है। यहाँ पे जो PS2 था इसकी इसमें जो इलेक्ट्रॉन था ये एनर्जी अब्जॉर्बिंग के कारण एक्साइट होता है और ये सिस्टम में एंटर होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये इसके द्वारा कंपनसेट होती है, वापस रिड्यूस होती है, जो वाटर के फोटोलिसिस में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं इनके द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एक चैन सिस्टम में एंटर होते हैं, और यहाँ से एक प्रोटीन होती है प्लास्टोसाइनिन, उसके द्वारा
PS फर्स्ट में इसकी रिएक्शन सेंटर जो कि P700 होता है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और PS फर्स्ट के जो पिगमेंट्स हैं इनके द्वारा फोटोन अब्जॉर्ब किए जाते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब किया गया है प्लास्टोसाइन से PS फर्स्ट में है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहाँ से कई जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इनके द्वारा फिर NADP प्लस के रिडक्शन में ये कंज्यूम होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन्स है वो यहाँ से NADP प्लस के साथ ऐड होते हैं, और NADP प्लस NADPH की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया जाता है। इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखें तो यहाँ देखिए दोनों प्रकार के सिस्टम बताए गए हैं, PS सेकेंड है, ये PS फर्स्ट है। सबसे पहले वाटर का फोटोलिसिस होता है मैग्नीज 2 प्लस कैटायन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो रिलीज की जाती है, और ये जो पिगमेंट्स हैं ये एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, और ये PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है P680 इसका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फिर एक चैन के द्वारा PS फर्स्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 को, और साथ में लाइट अब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाती है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहाँ से ये आयरन सल्फर प्रोटीन को पहले ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद में फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफ़र किया जाता है, और यहाँ से फेरेडॉक्सिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो दो पाथ में एंटर कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि NADP प्लस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यदि प्रेजेंट है तो ये FAD प्लस को पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद में ये NADP प्लस में ऐड होता है, और साथ में जो प्रोटॉन्स बने हैं ये यहाँ पे ऐड होते हैं, और एट लास्ट NADPH की फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। अब ये NADPH जो बना है ये डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ से जो ATP फॉर्म हुई है इस प्रोसेस में ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में काम में लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।